आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विसिटम के अंदर रिप्रोडक्शन दो मेथड्स के द्वारा होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, दूसरा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं काइक जनन, जो किसके द्वारा होता है, ट्यूबर्स के द्वारा। इक्विसिटम के अंदर जो राइजोम वाला पार्ट होता है वहां पे एडवेंशियस रूट पाई जाती है, उनके बिल्कुल पास में से ट्यूब जैसी छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है, ये ट्यूबर्स कहलाती है। ट्यूबर्स जो होती है वो प्लांट से अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद में कुछ दिनों तक मिट्टी में पड़ी रहती है और उसके बाद में जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेती है। सेकेंड जो टाइप होता है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा। जो इक्विसिटम होता है उसकी फर्टाइल ब्रांच के ऊपर ऊपर एपिकल पार्ट पे कोण जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये जो स्ट्रोबिलाई होती है वो स्पोरेंजियो फोर के ऊपर व्यवस्थित होती है। इसके अंदर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। जो फर्टाइल सूट होता है वो ब्राउन रंग का होता है, जिसका ऊपरी भाग कोण जैसी संरचना बनाता है। नीचे इसके रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे एन्यूलस कहते हैं। एक छल्ले के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे एन्यूलस कहते हैं। फर्टाइल ब्रांच के अंदर स्केली लीव्स पाई जाती हैं, स्केल्स के टाइप में लीव्स रहती हैं, स्केली लीव्स रहती हैं, जो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है और स्टेम को पूरा कवर करके रखती है और लीफ शीथ बनाती है। स्ट्रोबिलाई के नीचे रिंग जैसी संरचना होती है, जो एन्यूलस रिंग या एन्यूलस कहलाता है। उसके बाद में आता है एलस। ये जो स्ट्रोबिलाई है इसकी एलस लॉन्गिट्यूड सेक्शन देखते हैं, इस प्रकार की संरचना दिखती है, जिसमें जो सबसे बाहर का भाग है वो स्टाल कहलाता है। स्पोर्स पाए जाते हैं किनारे किनारे पर, जो कहाँ स्पोरेंजियम के अंदर उपस्थित होते हैं। जो बीच वाला भाग है वो वेस्क्यूलर सिलेंडर टाइप में होता है, वेस्क्यूलर होता है, जो क्या कहलाता है, सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। नीचे वाले भाग में लीफ पाई जाती है, आधार भाग में लीफ पाई जाती है। और जो एन्यूलस होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस जो ग्रोथ प्लांट ग्रोथ करता है, वृद्धि करता रहता है। इसके बाद में ये जो स्ट्रोबिलाई है इस तरह से दिखता है, सबसे बाहर स्पोरेंजियम रहता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, बीच वाला भाग सेंट्रल एक्सिस कहलाता है और बिल्कुल चारों कोनों पर स्टाल उपस्थित होता है। बाद में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से जो बनेगा स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। ये है एक स्ट्रोबिलाई के स्ट्रक्चर। स्ट्रोबिलाई में क्या होता है, बाहरी भाग में एक आउटग्रोथ जैसी संरचना बनती है। इस आउटग्रोथ की कोई भी एक कोशिका डिवीजन करके स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनाती है। सबसे पहले क्या बनेगी, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनती है। इस इनिशियल सेल के अंदर फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत विभाजन होते हैं, जिससे दो सेल्स बनती है, दो सेल्स का निर्माण होता है। जो बाहर की तरफ बनती है वो आउटर सेल कहलाती है, जो अंदर की तरफ बनती है इनर सेल कहलाती है। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल यानी परिणत और अपनत विभाजन होते हैं, जिससे दो कोशिकाएं बनती है। एक जैकेट सेल कहलाती है, जो बाहर की ओर जैकेट बनाती है, और एक स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। जो जैकेट सेल होती है वो भी स्पोर्स बनाने में भाग लेती है। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। जो जैकेट सेल है वो 7 से 8 कोशिकाओं की लेयर बनाती है, जो टेपिटम कहलाती है। और जो स्पोरोजिनस सेल है वो स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। जो टेपिटम है वो बाद में खराब हो जाती है, क्योंकि जो स्पोर्स बनते हैं वो उनके पोषण में काम आ जाती है। सिर्फ एक या दो या इसकी लेयर बचती है, बाकी जो टेपिटम है वो खराब हो जाती है। उसके बाद में जो स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से इस प्रकार की इसमें स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार की संरचना बनती है, जिसके अंदर स्पोरेंजियम पाया जाता है। ऊपर की जो भाग है वो कहलाता है पेटोटे डिस्क। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स उपस्थित होते हैं। नीचे का जो आधार भाग है वो स्पोरेंजियो फोर कहलाता है। जो इसमें जो मियोसिस के बाद में जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स रहेंगे, स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, एगुणित होते हैं, और कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मोडियम लिक्विड बनाते हैं, जो कि स्पोर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो प्लाज्मोडियम लिक्विड होता है वो स्पोर्स के डेवलपमेंट में काम आता है। अब कुछ समय बाद में क्या होता है, जो स्पोरेंजियो फोर है वो लंबाई में बढ़ना चालू कर देता है। इसकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है, लंबाई बढ़ती है तो जो ये अंदर वाले भाग है इसके अंदर दरारें उत्पन्न हो जाती है, स्लिट्स उत्पन्न हो जाती है, दरारें आ जाती है, स्लिट बन जाती है। उससे क्या होगा, ये जो स्पोर्स है वो दरारों के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, स्पोर्स दरारों के माध्यम से बाहर आ जाते हैं मियोसिस के बाद में। दरारों में से बाहर आना क्या कहलाता है, डाइहेंस ऑफ स्पोरेंजियम।
स्पोर्स का स्लिट्स में से या दरारों में से बाहर आना क्या कहलाता है? डाईहेंस ऑफ स्पोरेंजियम कहलाता है। अब जो स्पोर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बीच में स्पोर रहेगा, चारों तरफ उसके चारों कोने में इलेटर्स रहते हैं। इलेटर्स जो उनका जो लास्ट वाला भाग होता है वो स्पून शेप्ड का होता है, चम्मच के आकार का होता है। इलेक्ट्रस उसको स्पोर को घेरे रखते हैं इस प्रकार से, बीच में स्पोर रहता है, चारों तरफ इलेक्टर रहते हैं। रिबन शेप में जो इलेक्ट्रस होते हैं वो स्पोर को घेरे हुए रखते हैं, स्पायरली अरेंज रहते हैं, स्पोर के चारों तरफ स्पायरली अरेंज रहते हैं। स्पोर्स के ऊपर पूरी तरह से इलेक्ट्रस है वो स्पायरली कवर करके रखते हैं, जो कि रिबन शेप में होते हैं। इलेक्ट्रस का बाहरी भाग स्पून जैसा होता है। इलेक्ट्रस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात पानी का अवशोषण करके स्पोर्स तक पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रस क्या काम करते हैं? पानी को अब्जॉर्ब करेंगे और स्पोर तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्पोर्स के सूख जाने पर इलेक्ट्रस खुल जाते हैं। जब ये स्पोर सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाता है, तो इलेक्ट्रस खुल जाते हैं और जो स्पोर्स होता है वो बाहर निकल आते हैं, स्पोर बाहर निकल आते हैं। उसके बाद में इसकी आती है गैमेटोफाइट स्टेज, वो स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद पादप, और ये आती है गैमेटोफाइट स्टेज यानी युग्मकोद्भिद पादप अवस्था। जो स्पोर्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, सबसे बाहर एक जो स्पोर रहता है जिसे एपिस्पोर बोलते हैं, एक लेयर सिंगल लेयर पाई जाती है। बीच वाले भाग में न्यूक्लियस यानी केंद्रक रहता है, और जो चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट उसके पाया जाता है। एक मिडल लेयर होती है, और सबसे जो अंदर की लेयर है वो एंडोस्पोर कहलाती है। चारों तरफ उसके इलेक्ट्रस पाए जाते हैं। अब ये स्पोर क्या करता है? पानी को ग्रहण करेगा, चारों इलेक्ट्रस इसके झड़ जाते हैं, स्पोर वाटर अवशोषित करके फूल जाता है, जिससे जो ऊपर की लेयर होती है वो फट जाती है, और जो अंदर का न्यूक्लियस है, अंदर इसके जो केंद्रक पाया जाता है, वो डिवीजन करना शुरू कर देता है। अब ये जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करके सबसे पहले इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर की जो कोशिका है वो प्रोथेलियल सेल कहलाती है, और नीचे की ओर जो कोशिका है वो प्राइमरी राइजोडल सेल कहलाती है। जो प्रोथेलियल कोशिका है वो थैलस बनाने में काम आती है, और जो प्राइमरी राइजोडल सेल है, प्राइमरी राइजोडल सेल वो क्या बनाती है? राइजोड्स का निर्माण करती है। जो थैलस है वो बाद में इस प्रकार का हर्ट शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है, हर्ट शेप स्ट्रक्चर उसकी बन जाती है। प्रोथेलियल कोशिका डिवीजन करती रहेगी, इनमें डिवीजन चलता रहता है, जिससे जो थैलस है वो हर्ट शेप हो जाता है। इसमें एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रिडिया मेल ऑर्गन है और आर्किगोनियम फीमेल ऑर्गन, एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया बनना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडियम, एंथ्रिडियम कैसे बनता है? सबसे बाहर नेक सेल रहती है, अंदर की ओर दो नेक केनाल सेल पाई जाती है, सेंटर में वेंट्रल केनाल सेल रहती है, और सबसे नीचे एग सेल रहती है। जो अंदर की सेल्स होती हैं वो एंड्रोसाइट्स कहलाती हैं, जो किसका निर्माण करती है? एंथ्रेजोइड बनाती हैं, और सेंटर में एक एग सेल, नीचे की ओर एग सेल उपस्थित होती है। एंथ्रेजोइड जो एंड्रोसाइट सेल होती हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं, ऊपर की ओर जैकेट लेयर रहेगा, बीच में एंड्रोसाइट्स रहते हैं। एंड्रोसाइट से क्या बनता है? एंथ्रेजोइड्स बनता है। एंथ्रेजोइड्स किस प्रकार का होता है? मल्टीफ्लेजिलेट होता है, बहुत सारी इसमें फ्लेजिला पाई जाती है। फ्लेजिला के कारण इसमें मूवमेंट यानी गति करने की क्षमता होती है। उसके बाद में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया। सबसे बाहर नेक सेल रहता है, जो वेंट्र केनाल सेल और नेक केनाल सेल होती है वो बाद में खराब हो जाती है, और सिर्फ एग बचता है, सिर्फ एग सेल रहती है। एग के साथ एंथ्रेजोइड है वो फ्यूजन करता है और डिप्लोइड जाइगोट बनाता है। ये जो एंथ्रेजोइड है वो मूवमेंट करते हुए जो आर्किगोनिया है उसके अंदर प्रवेश करता है, और एग के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज करके क्या बनाएगा? डिप्लोइड जाइगोट का निर्माण करता है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और स्पोरोफाइट कैसे बनता है? जो डिप्लोइड जाइगोट है वो उसका अंदर की जो कोशिका है वो डिवीजन करना शुरू करती है। डिवीजन करके दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, ऊपर वाली कोशिका एपिबेसल सेल कहलाती है, नीचे की कोशिका हाइपोबेसल सेल कहलाती है। इन कोशिकाओं में फिर माइटोसिस होता है, जिससे चार कोशिकाएं बनती है। चार में से जो नीचे वाली कोशिका है वो रूट इनिशियल सेल बनाती है, और ऊपर की जो कोशिका है वो सूट एपिकल सेल बनाती है। अब ये जो सूट एपिकल सेल है वो स्टेम और लीफ इनिशियल सेल बनाने में काम आ जाती है, और जो रूट इनिशियल सेल है वो रूट और रूट कैप इनिशियल बनाने में योगदान देती है। इस प्रकार से आगे थैलस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से थैलस बनता है, सूट एपिकल से स्टेम लीफ बनते हैं, और जो रूट इनिशियल सेल है वो रूट और रूट कैप बनाने में योगदान करती है। तो इस प्रकार जो स्पोर इक्विसिटम है उसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा हो तो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।